यार जी, ये मेघवाल जी का और भाटी जी का जो प्रकरण है, एक देहात अध्यक्ष के नाते आप क्या देखते हैं उसमें? इसका क्या सुझाव आपके पास, समाधान क्या है, क्या समाधान है? हमारी तो सुझाव मानो चाहे हमारी अपेक्षाएं मानो, हमारी तो हमारी ये चाहना है कि नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देखना चाहता है, देश की आवाम देखना चाहती है। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवी सिंह जी का भी ये मानना है कि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इस बात के हिमायती आदरणीय देवी सिंह जी भी है। उन्होंने कोई उम्मीदवारी से लेकर कोई विषय रखा है तो हम उस विचार के कार्यकर्ता हैं कि उम्मीदवार कमल का निशान है, कोई दूसरा चेहरा नहीं, कमल का निशान चुनाव लड़ेगा। और जो बात आदरणीय देवी सिंह जी ने रखी है, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में देवी सिंह जी का आशीर्वाद सहयोग भी हम सब लोग के साथ रहे। और जो विषय उन्होंने रखा है तो निश्चित तौर पर वो वरिष्ठ नेता है हमारे प्रदेश का नेतृत्व, उनसे बात करके कोई न कोई उचित समाधान निकाल के। क्या आपको कोई जानकारी है कि उनके बीच में जो विवाद है उसका क्या कारण है, जो विवाद है? वो सारी बातें प्रदेश नेतृत्व के सामने आदरणीय देवी सिंह जी रखते हैं। देहात अध्यक्ष के नाते आपको कुछ थोड़ा बहुत भी पता हो कि भाई इस बात को लेकर के कुछ है, कोई भी जानकारी ऐसी जिससे लगता हो कि भाई आप भी चुनाव लड़े नौखा से, आपको सहयोग मिला एमपी का? मुझे मेरे पार्टी परिवार का सहयोग मिला और सहयोग मिला तो मैं विधायक। आपने अपनी ओर से क्या प्रयास किए भाटी जी और मेघवाल जी के बीच में संबंध मधुर हो जाते? आदरणीय भाटी जी ने जब प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया जी, तो प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करके मैं देवी सिंह जी के पास गया, उनसे विनय किया कि आप इतना बड़ा स्टेप आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी, तो आप इस तरह का स्टेप उठाने से पहले प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर चर्चा करें, उस तक का इंतजार कीजिए। लेकिन वो अपना इस्तीफा प्रदेश नेतृत्व को भेज चुके हैं अपराध से जी। प्रदेश नेतृत्व को तय करना है आगे क्या करना है, और हमारी यही उम्मीद है कि प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के इस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मायके में आदरणीय देवी सिंह जी का सहयोग मिलेगा। एक बात समझ में नहीं आती, फायरिंग केवल भाटी जी की तरफ से हो रही है जबकि मेघवाल जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे इसके बारे में, आप क्या कहते हैं? जो भी फायरिंग या जो भी बयानबाजी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव से हो, वो केवल देवी सिंह भाटी कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है इसका? तो मैं क्या हुआ वो तो आप देवों से जवाब देने वाले जाने वो जाने। आपको लग रहा है कि कहीं कैंडिडेट बदल सकता है, कुछ ऐसी कोई संभावना? मेरे को ये लगता है कि प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कोई ना कोई प्रयास उचित मंच पे जरूर करेंगे। बीकानेर हार गए तो हम उम्मीद करते हैं कि बीकानेर हार गए तो आप इस झगड़े के चक्कर में बीकानेर कैसे मोदी कैसे प्रधानमंत्री बना सर के बिना सर? कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है, कमल का निशान को इस देश का आवाम पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। धन्यवाद।